सर आपने लास्ट लेक्चर में यानी कहा था जब आप लोग मुकर्नास बनाना शुरू किए थे इस पे किया था तो काफी यानी उसमें आपने दिखाया था कि कुछ गलतियां भी हुई थी और एक आध आपने बताया था कोई एक्सीडेंट भी हुआ था मुकर्नास से क्योंकि वो उतना स्ट्रेंथन नहीं था और आप इसी में बता रहे थे इसी लेक्चर में कि ये प्योरली डेकोरेटिव पर्पज भी नहीं है तो मैंने ये जाना था कि आप लोगों को ये यानी प्रिसीजन आइडेंटिफाई कैसे हुई कि यार अब मुकर्नास इतना स्ट्रांग है कि ये नहीं गिरेगा इस पर इतना लोड आ जाएगा या नहीं आएगा वॉज इट अ हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर कोई वजह थी इसमें। एक सवाल, बड़े मेरे अजीज प्रोफेसर थे कादिर, तो उनके साथ मैं किसी कॉन्फ्रेंस में मुल्तान में वो पढ़ाते थे, तो शाम को हम टहल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये आप बड़े मुगल आर्किटेक्चर वगैरह बनाते रहते हैं, तो ये बताएं कि उस वक्त मुगलों के पास ये जो अब टूल्स हमारे पास हैं ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह और साइंस, उसकी ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ये मेथड्स नहीं थे प्रिसिजन मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस, तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे डिजाइन करते थे? क्या जैसे आप कह रहे हैं कि हिट एंड ट्राई मेथड के एक बनाया, अगर वो गिर गया तो फिर नेक्स्ट टाइम उसे जरा बड़ा बनाया, फिर वो नहीं, या कोई और कोई तरीका था? तो मैंने उनसे कहा कि आप इस पे गौर करें कि उनके पास ये कोई टूल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतने परफेक्ट स्ट्रक्चरली ये सॉल्यूशंस निकाले विच आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरली वेरी इफिशियंट बट प्रैक्टिकली वेरी सिंपल टू मेक एंड ब्यूटिफुल। तो ये मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और साइंस एंड कंप्यूटर्स, और ये एग्जाम्पल्स अभी निमरा ने जो दिखाए बहुत सारे, आप ये दैट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग ब्यूटिफुल नेसेसरली। तो ये जो कम्स टुगेदर एट द सेम टाइम ए सोल्यूशन दैट इज इफिशियंट स्ट्रक्चरली सिंपल प्रैक्टिकली एंड ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट एस्थेटिकली, हाउ डज दिस हैपन? इसका मेरे पास तो जवाब नहीं है, आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, मगर ये हमने देखा है कि पुराने मास्टर्स मैनेज्ड टू अचीव दोज क्वालिटीज, सो वी कैन ओनली ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड ट्राई टू यू नो परफेक्ट व्हाट देयर परफेक्शन, उसके नजदीक कभी हम पहुंचते हैं उस पार, उसके नजदीक कभी नहीं भी पहुंचते, और जब नहीं पहुंचते हैं तो फौरन उसका जवाब आ जाता है, यू गेट अ हिट, स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? तो फिर इंसान चौंकना होके फिर अपने आप को रिवाइज देखता है, मैंने क्या गलती करी, एंड देन यू ट्राई एंड रिमूव दैट एंड डू इट बेटर। सो द एम इज रियली टू अप्रोच दोज एलिगेंट ब्यूटिफुल इफिशियंट सोल्यूशंस विच द मास्टर्स वर एबल टू कंसीव। हाउ दे वर एबल टू कंसीव, ये इसी तरह का एक और मेरे साथ हुआ, बहुत मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उन्होंने कॉस्मोलॉजी पे भी बड़ी डिस्कवरीज करी, एंड अ लॉट ऑफ हिज वर्क वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड कंप्यूटर्स दैट वी नाउ हैव। तो मुझे एक दफा बीबीसी उर्दू से फोन आया कि आपसे कोई इंटरव्यू करना चाह रहे न करें, तो कहने लगे वो आपने कुछ दो अमेरिकन
एकेडमिक्स, उनका पेपर था, कहने ये आपने पढ़ा है? मैंने कहा मैं तो सुना भी नहीं है वो कहाँ। कहा अच्छा हम आपको भेजते हैं। तो उन्हें भेजा, वो मैंने पढ़ा। सो ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट ये जो आप देख रहे हैं अभी, हम मुकर्नस के सिलसिले में भी बहुत से देखे पैटर्न्स, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री है ये, और वो ऐसी खूबसूरत ज्योमेट्री है हाउ इट जस्ट फिट्स वन इन टू द अदर। तो इसी तरह की एक और रिलेटेड ट्रेडिशनल ज्योमेट्री होती, विच इज गिरा बंदी कहते हैं, गिरे गिरा बना, अ लॉट ऑफ पैटर्न मेकिंग इज कॉल्ड गिरा। तो वो उसमें को पैटर्न का जिक्र कर रहे थे, विच ऑफ कोर्स वी फाइंड इन आवर ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स एज वेल। तो फिर उनका फिर जब फोन आया, अच्छा जी आपने पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया। तो ये बताएं ये जो है थ्री डायमेंशनल ऑल स्पेस फिलिंग सॉलिड शेप्स ज्योमेट्री, ये तो अभी 20th सेंचुरी में जाके पेनरोज ने विद द यूज ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर्स ये शेप उन्होंने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स इस पेपर में जिसका जिक्र है, ये तो 12th सेंचुरी के हैं। तो उस वक्त उनके पास कोई ना कंप्यूटर है, उन्होंने कैसे डिजाइन कर लिया? तो मैंने कहा जी ये आपका क्या ख्याल है, ये कोई अनपढ़ जाहिल मिस्त्रियों का काम है? यू फॉरगेट के इस इनके पीछे उस वक्त के सम ऑफ दी मोस्ट जो कहते हैं फ्रंटियर्स में, द कटिंग एज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियंस अलकिंदी और जिल्ली और कितने ही नेम्स, ग्रेट मैथमेटिशियंस, ये वो दे वर वर्किंग, इट्स पार्ट ऑफ दैट होल एम्बियंस। ये कोई एमी तुक्के तो नहीं मारे किसी ने? नहीं तो उन्हें कैसे पता चल गया? ये तो अब जाके हमने कंप्यूटर एनालिसिस वगैरह से निकाला है, तो ये कैसे उनको मिल पता चले? कहेंगे ये क्या मतलब, आपके यहाँ होते हैं इस तरह? मैंने कहा हाँ हमारे यहाँ भी होते हैं। हाँ तो इनको क्या कहते हैं? मैंने कहा हमारे यहाँ तो गिरा कहते हैं इसे। हैं? कहेंगे सेंट्रल एशिया में भी गिरा कहते हैं, ये कैसी बात? वही ट्रेडिशन है, वो भी गिरा कहते हैं हम भी। तो कहते वो बहुत परेशान थे कि ये उस इतने सदियों पहले ये नॉलेज कैसे उनको मिल गई, हाउ डिड दे फाइंड आउट ऑल दिस। मैंने उनसे कोशिश करी समझाने की कि साहब आपके नजदीक नॉलेज इज अ लीनियर थिंग, यू गो यू लर्न फ्रॉम दिस, यू लर्न टू दैट, देन यू गो टू दैट, देन यू गो टू दैट। तो ये एक लीनियर और डिस्कर्सिव मेथड जो मॉडर्न एपिस्टमोलॉजी और नॉलेज थियोरीज और आजकल तो नॉलेज इंडस्ट्री बनी हुई है, सो द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, और नाउ दे इवन टॉक अबाउट क्रिएटिंग नॉलेज। सो दिस इज ए लीनियर प्रोसेस विच गोज फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू डी। सो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि साहब देर आर मोर अदर वेज ऑफ नोइंग, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। वो मैंने को इतनी सी बात छेड़ी थी, उन्होंने कहा जैसे आप सब वालेकुम सलाम आप जाए, थैंक यू वेरी मच। दे डोंट वांट टू हियर अबाउट एनी अदर मोड ऑफ नोइंग अदर देन द लीनियर डिस्कर्सिव मोड ऑफ नोइंग। यानी देर इज समथिंग कॉल्ड इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, intellection, these are all modes in which you get to know things which the mental processes cannot conceive, which the biological senses cannot perceive. So you, these wonderful realities, these are closer to the truth. Ye reveal hoti hai, ilham keh lein,
they're received, and all the great ustads jinko kaha jata hai ki ye udhar se aa raha hai ye silsila, wo ye nahi kehte ki ye maine invent kiya, wo kehte hain ki mujhe ye mila hai, I've received this, aur isliye main aapko aage de raha hu. So this knowledge therefore is then considered precious, sacred, and it is uski adab observe kiye jate hain, courtesy and etiquette uski performance mein, uske kaam karne mein. So ye ek attitude hi aur hai, usko ehtiram kyun itna kiya jata hai, kyunki wo aapko link kar raha hai to the higher spiritual realities. This knowledge, this geometry becomes the door through which you can access those higher truths. So iska bahut hi adab aur ehtiram se handle karna chahiye. Hum ye cheeze sab bhool gaye, balki bhool kya gaye, hum to deny karte hain ki koi hai nahi other than the physical, aur computer hai, mind hai, bas we can do whatever. So ye, it is not only dangerous, it is actually producing these global crises that we are in. And the what they are producing is ugly. Jamaliyat aur ehsan husn ye sab to usme se khatam hi ho gaya. So how we just, you know, when an arch collapses, it's collapsed. And then you have to think about it, ki kya hua, then you realize it will tell you where you went wrong. Kare to sahi, himmat kare. Do you think, like, over here with our youth and in Pakistan in the past recent maybe a decade, that although this particular society is still traditional, I mean, and we do have the sort of roots and systems around us which propagate this complete understanding, but in the past one decade, our own youth and our own maybe people of the Middle Ages are struggling with this whole thought, and they have also become probably more entrapped with this modernism and this whole denial of the existence of you know, Allah at around us. I mean, I don't know whether that has started as a trend or as something that you're drawn towards, or due to globalization, I don't know. But interestingly, over a period of few years, I've seen that you know, this whole modernism, which had engulfed the West, has actually engulfed us more and more rapidly. So, I mean, would we say that, I mean, where do you think the problem is, and how do you think that one can approach it? Okay, yeah, this, you are pointing to the problem of our times, and which is essentially at the root of all the problems that we are facing in our times. The problems of climate, ecology, economy, sociology, psychologically, the collapse, the complete degradation and destruction of the ecology, the inequalities between rich and poor,
ये सब कनेक्टेड है एंड इसेंशियली दे आर ऑल कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन विच इसेंशियली इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन यू नीड. नाउ वैसे तो एवर सिंस सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आर्टिजनल मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ दिस एनेबल्ड द फार्मर द क्राफ्ट्समैन टू प्रोड्यूस मोर देन ही नीडेड. लेकिन उसमें उसकी पर्सनल नीड से तो ज्यादा उसने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो किसी और ने प्रोड्यूस कर दी. तो कुम्हार ने मटके बनाए मोर, उसको खुद की तो एक ही मटके की जरूरत थी, लेकिन उसने खेती बाड़ी नहीं करी, किसी ने लोहे का काम किया. सो इन एग्रीगेट व्हाट यू प्रोड्यूस्ड मेट द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. तो बार्टर एक्सचेंज से जिसके पास ज्यादा है एक चीज है वो उसने दे दी, जो कमी है उससे ले ली, ये एक्सचेंज प्रोसेस चला. और इसमें भी जब कम्युनिटी की जरूरियात से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई तो उसका फायदा उस कम्युनिटी को नहीं हुआ. सम रॉबर बैरन, सम गुंडा, सम डंडा पकड़े हुए कोई टफी पहलवान या चलाक बातें करने वाला, समबडी कम्स एंड टेक्स आउट द क्रीम. जो सरप्लस आपने प्रोड्यूस किया वो कहता है लाओ ये तो मेरे हाथ. फिर उसकी जस्टिफिकेशन जो भी होती है, ये मैं आपके खातिर जमा कर रहा हूँ, उनको फैमिन में काम आएगा, ये चोरों से बचाने के लिए मैं आपके लिए फौज इकट्ठी कर रहा हूँ, ये मैं किले बना रहा हूँ दुश्मनों से अपना तहफ, सब आपके लिए कर रहा हूँ. ये सारी दौलत तो खुद सरप्लस लपेट इकट्ठी कर लेती. नाउ दैट एक्चुअली ही वॉज एबल टू देन पैट्रनाइज द आर्ट्स the sciences, और फिर production और knowledge और science और skills इसमें और development हुई, यहां तक के फिर उस development से फिर उसने ऐसी मशीनें बनाई जो थकती भी नहीं है, continuously चलती हैं, and so production went way beyond the needs. प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया लेकिन उस मशीन की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आपके इलाके में वो वसाइल ही नहीं है, उतना कॉटन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा जितनी उसकी कॉटन मिल बना सकती है कपड़ा, और अगर वो बना भी ले तो इतना प्रोडक्शन की तो खपत ही नहीं है. तो यू हैव टू फाइंड, सो व्हेन यू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वो territorial expansion becomes imperative. It's a necessary need of that machine that you conquer more territories for markets and raw materials. So then we saw with the Industrial Revolution, imperialist, colonialist expansion and conquest of the whole world. But that conquest of the whole world gave you even more wealth. उसका क्या करें. एंड दिस डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेव यू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मच मोर देन यू नीड. सो देन वी सेड ओके यू डोंट नीड दिस बट आई कैन गिव यू स्वीट टॉक यू इनटू बिलीविंग दैट यू रियली वांट दिस. कंज्यूमरिज्म की इकोनॉमी चलाई. सो इट इज दिस ओवर प्रोडक्शन
beyond one's needs that produces all of the problems that we are facing today. So it's not something that has happened overnight. Ya pichle 10 saal mein nahi hua hai. But neither is this the norm. Kyunki ek dusra tasavvur jo bahut aam hai, hum ye kehte hain ki ji ye this is normal. Insan has always progressed and developed and evolved. But this is not true. It's 300 years of human existence. Agriculture came around about only 5 to 7 or 9,000 years ago. Industrial revolution, less than 200 years. And ye consumerist economy jo chal rahi, this is about 60, 70 years old. So if you imagine the life of man to be one day, 24 hours, more than 23 hours of that day were spent in a natural economy. That is, man took from nature whatever he needed. There was no waste. Everything was recycled. And there was no harm done to nature. Man and nature were one in complete symbiosis, harmony, mutual benefit. Koi अमीरी गरीबी का भी इतना फर्क मुमकिन ही नहीं था. अब बहुत सारी दौलत जमा करके क्या करेंगे. सो ये जो पहला ट्रिप, द फर्स्ट स्लिप अप, फर्स्ट ड्रॉप इन दिस नॉर्मल relationship with nature was the agrarian revolution, jisko hum kehte hain ki yahan se civilization shuru hui, upward climb shuru hua. It's actually the first start where you go off the balance and start falling. So this is less than the last hour of human existence out of 24. Industry happens in less than a minute, last minute. And this postmodernism, consumerism has come about in the last 20 seconds. Or is last hour, which is actually now the end, इसको हम कहते हैं दिस इज नॉर्म. वी इवन कॉल इट द न्यू नॉर्म. आई मीन एंड ऑल दैट 300,000 ईयर्स, 23 आवर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वो नॉर्मल नहीं है. दिस 20 सेकेंड्स इज नॉर्मल. सो वी आर इन एबनॉर्मल टाइम्स. दिस इज नॉट नॉर्मल. These, what we are living, is an aberration. And yes, the rate of this curve is exponential. And exponential means it's a geometric progression, doubling every time, goes faster and faster and faster. So the changes have gone from hundreds of thousands of years to a few thousand, to a few centuries, few decades. And now in the last decade, I've noticed current as it changes. And it's true. We have, what has happened? We made the first slip. We slipped off the rails 9,000 years ago. Industrial production
we went, but in the agrarian period, which we call the civilizational period, there was a very strong concern. ये हमने कुछ गलत कर दिया, कहीं ठोकर खा के गिर पड़े, कुछ गलती हुई है. How do we get back to the norm? सारा civilizational art, literature, philosophy, drama, it all carries, even folk tales, the message is the same. There is a difference between right action and wrong action. And when you make a mistake, you have to recognize that mistake and make an effort to get back to the norm. This is what all of the religions, all the great books, the prophets, the sages, the saints, this is civilized man. Industry ke saath, for the first time, the production exceeded with the rising production, the conquest of territory, then you reached the conquest of the whole world, global logic. And going beyond that into consumerism, we have now crossed the limits of the earth's capacity to recreate what we take from it. This is called overshoot. And in the year 1970, globally, we reached a level of consumption, extraction of resources from this planet, which exceeded the rate at which the planet can regenerate those resources. That was already 50 years ago. We are now completely over the top in free fall. Ye stage jo hai, ye normal nahi hai. Jab exponential rate of change hota hai, exponential curve approaches infinity. Actually, is tarah jana chahiye. So infinity in that direction or this direction. And infinite change only happens at two occasions. First, when anything comes into existence, it is an infinite change from nothing to anything. Then this thing evolves and grows and develops, but not forever. It develops into its potential normative state. And that normative state subsists, but not forever. At some point, it either degenerates, atrophies, and goes out of existence, or it grows beyond the limits and explodes. That is the second infinite rate of change. Infinite change is terminal. That's the end. This is where we are at now. So let us put things in perspective. We have to recognize what man has done. And this is all man-made. Our times are called, you know, you've heard of the Ice Age, the Stone Age. These times are called the Anthropocene. This era is called geologically, I mean, in terms of changes that have come about in the biosphere. So for those who study the changes in the biosphere, they call our time as the Anthropocene age. That is the age of man.
because the most significant changes in the whole biosphere have been brought about by the activity of humans. So this is not business as usual. These are not normal times. The rates of change are going faster and faster. And the destruction, the pandemic has reached global proportions. ये जो बीमारी है ये अब सिर्फ वेस्ट की नहीं है, ये सारी दुनिया तक फैल चुकी है. दिस इज द कोरोना वायरस. आई मीन द कोरोना वायरस इज पार्ट ऑफ दिस. सो यस, दीज आर वेरी फ्राइटनिंग टाइम्स, बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? यू कांट चेंज दिस. So what do we do? Do we just say, "Bas, ye to jo hona hai ho gaya, hum kuch nahi kar sakte." Even in these times, there is no excuse for doing nothing. So what is it we first discern between right and wrong? सही और गलत की तमीज करें. वी हैव टू से दिस, रिमाइंड आवरसेल्व्स, बिकॉज नाउ वर्ल्ड वाइड द फिलोसॉफिकल पोजिशन इज दैट देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. व्हेन यू डिनाई द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, then anything is all right. This is what we're doing. So discern, at least say this is right and this is wrong. Recognize the difference. And then do what is right. Not because it's going to change the world. Do what is right because it's the right thing to do. That's all you can do. And there is no excuse for not doing the right thing. So this is where we're at. Okay, we've been dealing with the transition from the right angle to the circle. This is a right angle. There is only one right angle. There is no, you, if you don't even recognize that there is a right angle, you don't know the difference between what is wrong and what is the circle. Is transcends all angles. It's not 90 degrees, it's not 180 degrees, it's beyond 360 degrees. There are no angles left. That is that jump that you have to learn to make. At least recognize aap kidhar hain aur jana kidhar. So learning these things is not just a pastime. Why do we bother with this? We bother because they are this practice shows us the difference between right and wrong. And shows us how to understand and reach and connect with the absolute. What is good and how it is different from what is bad. There is a difference between good and bad, between right and wrong. This is the function of art traditionally,
to show the difference between right and wrong, and to move us to transform ourselves to reach to those heights of, to reach the truth, to identify the truth, to love the truth. So beauty, truth, perfection, all of these is what the traditional art points to, unveils, shows us, demonstrates. You can begin to understand that. अब वो कितने ही आप किताबें पढ़ लें वो बात नहीं समझ आएगी. वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द अलहमरा सीलिंग, इट्स और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं. इट टेक्स योर ब्रेथ अवे बिकॉज यू आर कन्फ्रंटेड विद दैट हायर ट्रूथ. यू स्टेप इनटू द गेट ऑफ द ताजमहल एंड यू लुक एट दिस, आंखों में से आंसू बहने लगते हैं लोगों. People who are confirmed atheists start weeping. This is what the power of traditional art is. And it's not just to please some artist's fancy. It's not whimsical. It's not to make money. These art objects are showing us the truth. They are showing us what is beauty. So it says, जब वो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है तो फिर कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती. सो ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप कोशिश कर रहे हैं सीखने की. दिस इज पार्ट ऑफ डिस्कवरिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड aspiring to transcend the material, physical dream in which we are caught up, and to connect with the eternal, timeless truth. Okay?